सो हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक और मेरी न्यू वीडियो में, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की। आज की जो वीडियो दोस्तों स्टार्ट करने जा रहा हूँ मंडोला बिहार से, और जाएंगे दोस्तों ईस्टर्न पेरिफेरल तक। तो ये हो गई दोस्तों एग्जिट यहाँ से, जिसका काम कंप्लीट हो गया, बट अभी रास्ता यहाँ से बंद किया हुआ है। तो सेकेंड टाइम मैं इस एक्सप्रेस वे के ऊपर जा रहा हूँ। एक बार पहले भी मैं यहां से इस एक्सप्रेसवे के ऊपर गया था। तो ये एक्सप्रेसवे भी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है। तो अभी मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि रॉन्ग साइड वाली एंट्री ना इसको खोला हुआ है। अगर लेफ्ट साइड वाली एंट्री को अगर खोल ही दिया होता तो सारे लोग उसी के ऊपर से उठ के चले जाते, बट अभी ये रॉन्ग साइड है। यहाँ पर ये जैसे कोई भी काम हो रहा होगा ना, उसके लिए गाड़ियों को आना जाना के लिए एंट्री एग्जिट कर रखी है इसी के लिए, मतलब राइट साइड वाले इसी एक्सप्रेस वे पर। तो अभी हम चलते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हो चुका है इस वाले एक्सप्रेस वे के पार्ट पर। अक्षरधाम से लेके ईस्टर्न फेरीफेरल तक का एक्सप्रेस वे का ऑलमोस्ट काम कम्प्लीट हो गया, आपने देखा होगा दोस्तों, बट अभी इसको स्टार्ट नहीं किया गया। सुनने में आया था दिसंबर में इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, बट अब देखते हैं। दिसंबर आ ही गया है, लास्ट आज 30 नवंबर है, तो कल से दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद देखते हैं दोस्तों कितना टाइम इस एक्सप्रेस वे को लगता है स्टार्ट करने में, इसकी ओपनिंग करने में। काफी सारे लोगों को बेसब्री से इंतजार है भाई इस एक्सप्रेस वे का, कि ये स्टार्ट हो जाए और वो लोग इसके ऊपर ट्रेवल करें। बिल्कुल दोस्तों, मेरा भी यही सपना है जल्दी से ये स्टार्ट हो जाए और मैं भी इसके ऊपर घूमूं। जब ये पूरा बनके तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून जाने में सिर्फ 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, वैसे बताया 2.5 घंटे है, और आप आधा घंटा एक्स्ट्रा लेकर चल सकते हैं। वैसे नॉन स्टॉप अगर आप जाएंगे तो पहुंच ही जाएंगे 2.5 घंटे के अंदर भाई। यहाँ पर टारगेट सेट कर लिया भाई 2.5 घंटे में, आज तो वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, तो आप आराम से पहुंच सकते हैं देहरादून। तो देखिए दूर तक आप देख सकते हैं, बिल्कुल रोड एकदम साफ सुथरा और काफी अच्छा, यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया है, कैमरे वगैरह यहाँ पर लग चुके हैं। और इस जगह देखिए स्पीडो मीटर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो भाई अगर जिसे दिल्ली से देहरादून जाना होगा जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो स्टार्टिंग में पेट्रोल डलवा लेना, और या फिर मतलब आगे स्पेसियस मिलेंगे आपको, जैसे आपको पेट्रोल पंप रेस्ट एंड सर्विस एरिया वगैरह मिलते हैं, बट स्टार्टिंग में तो भाई अपना, क्योंकि एक्सप्रेसवे के ऊपर जो मतलब एलिवेटेड पार्ट है यहाँ पर आपको कोई पेट्रोल पंप तो मिलेगा नहीं, नीचे से आना पड़ेगा उसके लिए। बट बाकी स्पीड आप 100 की स्पीड से इसके ऊपर आप चला सकते हैं। तो 1-1.5 साल के अंदर दोस्तों काफी सारी चीजें मैंने देखी है इस एक्सप्रेस वे की, एक पिलर बनता हुआ देखा है और मैंने आप लोगों को भी दिखाया है। और आज इस एक्सप्रेस वे के ऊपर बाइक चला रहा हूं तो मेरे को काफी मजा आ रहा है, वाकई यार बहुत अच्छे एक्सप्रेस वे है। स्पीड में ज्यादा नहीं रख रहा अभी, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना काम हो चुका है, क्या क्या चीज यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है, बट एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ पर ये देखिए बीच में ब्लेड लगा दिए गए हैं, साइड में साउंड प्रूफ पैनल लगा दिए गए हैं, लाइटिंग वगैरह का काम कम्प्लीट हो गया है, मीटर लगा दिए गए हैं, तो सारी चीजें हो गई हैं यहां पर। तो ये देखिए दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, चलते हैं आगे।
यहाँ पर मैं 80 की स्पीड में बाइक चला रहा हूँ तो पता ही नहीं चल रहा कि बाइक चल भी रही है इतनी स्पीड में। क्या खूब एक्सप्रेस वे है यार, क्या मस्त एक्सप्रेस वे है भाई। अगर इस पे बाइक अलाउ कर देते ना तो मजा ही आ जाता भाई। हम भी 2.5 घंटे के अंदर बाइक से अपना देहरादून पहुंच जाते, बट डोंट वरी, गाड़ी से भी आराम से 2.5 घंटे के अंदर पहुंचा जा सकता है। अभी इस एक्सप्रेस वे के ऊपर आपको कोई वर्कर काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। देखिए लास्ट वीडियो में एक बार मैं आया था यहाँ पर इसके ऊपर, तो काफी सारा काम यहाँ पर पेंडिंग था, तो उसको कंप्लीट किया जा रहा था। जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको फिल करने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। अब यहाँ पर सारा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ से सहारनपुर है 140 किलोमीटर दोस्तों। देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया 140 किलोमीटर दूर यहाँ से सहारनपुर है। जगह जगह आपको साइन बोर्ड नजर आ जाएंगे, स्पीडोमीटर आपको जैसे मोड़ के आसपास आपको दिखाए बता दिया जाएगा भाई अपनी स्पीड कम कर लीजिए, 80 की स्पीड में अपनी गाड़ी कर लीजिए, तो उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को लेना। क्योंकि देखिए यहाँ पर हल्का सा कर्व दिया गया है, तो और यहाँ से ईस्टर्न फेरी फेरल 2 किलोमीटर दूर है, तो चलो 2 किलोमीटर दूर और चलते हैं आगे। और सहारनपुर बिल्कुल सीधा है। यो क्या भाई मजा आ गया भाई बाइक दौड़ा के इस एक्सप्रेस वे के ऊपर। ऊपर से मेरी नई बाइक हंटर 350 भाई, इसको चलाने का एक्सपीरियंस बड़ा मजा आ रहा है। कुल मिला के यहाँ पर बाइक दौड़ा के बहुत ही मजा आ रहा है। तो वो सामने मेरे को ईस्टर्न फेरी फेरल नजर आ रहा है, तो आप ये देखिए बिल्कुल सामने ईस्टर्न फेरी फेरल। अगर किसी को सोनीपत पानीपत की साइड जाना है तो यहाँ से एग्जिट करके लेफ्ट साइड ले लेगा, लेफ्ट साइड से उसके ऊपर एंट्री ईस्टर्न फेरी फेरल के ऊपर। तो यहाँ से ईस्टर्न फेरी फेरल 1 किलोमीटर दूर है। तो भाई लगता है यहाँ पर गाय वगैरह आती रहती हैं, उद्घाटन कर रखा है उन्होंने, कोई नहीं चलो वो लोग आ सकते हैं बट बाइक वाले या कार वाले भी नहीं आ सकते जब तक इसकी ओपनिंग ना हो जाए। तो ये आ गया जी सामने ईस्टर्न फेरी फेरल एक्सप्रेस वे, और मेरे को पता है यहाँ पर आगे जो एंट्रीज की बंद की होगी, कोई बात नहीं यहाँ से हम वापस चल लेंगे। तो ये आ गया 250 मीटर दूर है ईस्टर्न फेरी फेरल। थोड़ा सा मैं आपको स्लो करके दिखा देता हूँ बोर्ड वगैरह यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर सामने ईस्टर्न फेरी फेरल 250 मीटर सीधा सहारनपुर, सहारनपुर देहरादून आपको जहां भी निकलना होगा ना दोस्तों आप यहाँ से जा सकेंगे। तो ये देखिए जितनी एंट्री एग्जिट पॉइंट अभी यहाँ पर बंद की हुई है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। इस एक्सप्रेस वे पर बाइक चला के मेरे को बहुत ही मज़ा आया। होप आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताना दोस्तों कैसी लगी है ये वीडियो। थैंक यू सो मच।